अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के साइन एक्सपो विद जहांजीर। आज 3D मैक्स के लेसन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे विजुअल ग्राफिक्स क्या होते हैं और यूनिट सेटअप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कोई भी ड्राइंग हम ऑटोकैड से इंपोर्ट करके लाते हैं 3D मैक्स में मॉडलिंग के लिए, तो सबसे पहले हम यूनिट सेटअप करते हैं। हमारी ड्राइंग्स या तो फीट इंचेस में बनी होती है या एमएम में होती है। तो यूनिट सेटअप में जाने के लिए हम जाएंगे कस्टमाइज देन यूनिट सेटअप। यहाँ जाएंगे तो हमारे पास हमें दिखेगा डिस्प्ले यूनिट स्केल। फर्स्ट है मेट्रिक। मेट्रिक में हमें मिलेंगे मीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड किलोमीटर्स। अगर हमारी ड्राइंग्स मिलीमीटर या मीटर्स में होगी तो हम यहाँ पे सिंपल मैट्रिक में जाके मीटर या मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर सेंटीमीटर्स में होगी तो CM सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है US स्टैंडर्ड। इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलते हैं फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, डेसिमल फीट, फीट विद फ्रैक्शनल इंचेस, फीट विद डेसिमल इंचेस। तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमारी कोई ड्राइंग बनी हो या हम कोई भी चीज़ इस यूनिट में यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। अगर हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस पे बनी होगी तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ये हो गई चीज़ क्लियर। मैं कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका राउंड ऑफ का कोई भी वैल्यू होगी। अगर हम जितनी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे 1/100 तो ये हमें 0.000 के बाद और भी हमें मतलब हमें राउंड ऑफ करके नहीं देगा। जितनी वैल्यू यहाँ पे कम होगी उतना हमें राउंड करके फिगर मिलेगा और जितने हम यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारे डेसिमल के बाद और भी डिजिट्स हमें मिलते रहेंगे। तो अगर हम 1/1 करेंगे तो हमें राउंड ऑफ फिगर मिलेगा। कस्टम जाए तो हम कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फीट, इंचेस, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। ज़्यादातर हम लोग, अच्छा यहाँ पे है लाइटिंग यूनिट्स इंटरनेशनल एंड अमेरिकन, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं मीटर्स पे, गल्फ पे मीटर्स पे, या अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं तो फीट विद फ्रैक्शनल इंचेस में। तो मैं सिंपल ये सेलेक्ट कर रहा हूँ US स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गई चीज़ के लिए। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गई यूनिट के बारे में। जो भी मॉडलिंग मैंने आप लोग को पहले बताया, मॉडलिंग जो भी हम करेंगे, जो हम यूनिट अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में, चले मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ। जैसे बॉक्स है, मैंने जस्ट एक रैंडम बॉक्स बनाया, मैंने फीट विद फ्रैक्शनल इंचेस सेलेक्ट किया। तो देखें हमारे पास लेंथ में आ रहा है 1, उसके बाद 1 का फीट है और देन इंचेस दिया हुआ। ये हो गई चीज़ क्लियर, क्योंकि हमने फीट विद इंचेस सेलेक्ट किया। यहाँ पे कस्टमाइज में जाके हम देखें दोबारा फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। ठीक है, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। तो जो भी हमने यूनिट सेलेक्ट किया वो यहाँ पे हमें विजिबल हो गया, लेंथ, विथ एंड हाइट। ये किस उसको कैसे चेंज करते हैं, इनके पैरामीटर्स को क्या मॉडिफाई पैनल में हम जाके किस तरह करेंगे, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। मैं इसको सिंपल अभी डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था इसमें हम विजुअल ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल ग्राफिक्स है क्या बेसिकली, मैं लेट सपोज मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, देन कोई एक टॉरस बनाया, यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, मैंने ऑर्बिट रोटेट किया, मैं इसकी स्क्रीन टॉगल कर देता हूँ और W प्रेस करके। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे आते हैं विजुअल ग्राफिक्स। ये है अभी रियलिस्टिक, हमें रियलिस्टिक दिख रहा है। ठीक है, हम राइट क्लिक करके इसमें जाते हैं तो शेडेड में अगर गए तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। शेडेड में रियलिस्टिक में कुछ इस तरह का, शेडेड में कुछ इस तरह का। अगर हम जाएंगे कंसिस्टेंट कलर्स तो कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एज फेसेस, तो एज हमें दिखेंगे, जितने भी इसके सेगमेंट्स हैं उनके एज दिखेंगे। नेक्स्ट हम जाए फेसेट्स में तो हमें ये फ्लैट दिख रहा है, देख रहे हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ सिंपल, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने,
फ्लैट दिख रहा है फैसेट्स में जाके। वायर फ्रेम अगर हिड इन लाइन में करूँगा तो हमारे पास लाइन्स हिड इन हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर गया इसके बाद यहाँ पे वायर फ्रेम, वायर फ्रेम में पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जितने भी वायर्स होंगे इसके बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में सारी चीज़ हमें विजिबल होंगी। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट की भी बताया था, F3 प्रेस करेंगे तो वायर फ्रेम में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसके बाद बाउंडिंग बॉक्स में गया, तो बाउंडिंग बॉक्स में कुछ इस तरह शो कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कॉर्नर्स की लाइन, ठीक है। क्ले में हम जाएंगे तो कुछ हमें किस तरह दिख रहा है क्ले की फॉर्म में। स्टाइल इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, स्टाइलाइज इसमें गया मैं ग्रेफाइट, तो कुछ इस तरह के फॉर्म में दिख रहा है मैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट गया मैं कलर पेंसिल, तो कुछ इस तरह के फॉर्म में दिख रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं, इंक में अगर हम गए तो कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग रियलिस्टिक और वाइट फ्रेम में काम करते हैं। कलर इंक में गए तो इस तरह दिख रहा है। तो जस्ट आप लोग के लिए है कि विजुअल ग्राफिक्स का ऑप्शन दिया है कि आप लोग जैसे मर्जी चाहे देख सकते हैं, आप इसको प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग या मॉडल्स बनाते हैं तो उनको अगर स्केचिंग फॉर्म में देना है, आपको प्रेजेंटेशन के लिए देना है, तो आप ये स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल्स में जाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, देन टेक्स्ट में जाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम ज़्यादातर रियलिस्टिक पे काम करते हैं मैं और वाई फ्रेम पे। देन लाइटिंग एंड शेडोज ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रेंडरिंग करेंगे। मटेरियल्स ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। व्यू पोर्ट बैकग्राउंड में क्या है, ग्रेडियंट सॉलिड कलर, देन अगर सॉलिड कलर करेंगे ग्रेडियंट कलर सॉलिड कलर करेंगे तो वो जिस तरह को बहुत माइनस डिफरेंस आया यहाँ पे। देन मैं इन्वायरमेंट बैकग्राउंड करूँगा तो कुछ इस तरह होगी ब्लैक। देन इसके बाद है हमारे पास कस्टम एज फाइल, कुछ इस तरह दिखा रहा है मैं सिंपल ग्रेडियंट कलर पे कर देता हूँ। तो ये हो गए हमारे पास विजुअल ग्राफिक्स। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट किस तरह सेटअप करते हैं, कि मैट्रिक चाहें तो मैट्रिक में जा सकते हैं, यूएस स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में सऊदी अरब दुबई वगैरह में मैट्रिक यूज़ होते हैं जिसमें मीटर्स एंड मिलीमीटर्स पे काम होता है। कुछ लोग किलोमीटर्स पे भी करते हैं लेकिन आर्किटेक्चरल ड्राइंग ज़्यादातर मीटर्स एंड मिलीमीटर्स पे होती हैं। और इंडिया पाकिस्तान में फीट इंचेस में आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का, फीट इंचेस पे काम होता है। अगर मैं यहाँ पे मीटर मिलीमीटर्स करता हूँ देन ओके करता हूँ तो मेरी ड्राइंग यहाँ पे एमएम में होगी, सिंपल एक यूनिट दिया एमएम। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने आज डिस्कस की हैं, विजुअल ग्राफिक्स एंड यूनिट सेटअप। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडलिंग किस तरह होती है नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।